अचलपुर मामले को लेकर दो अलग अलग एफआईआर हुए दर्ज। गतरोज अचलपुर में आयोजित भाजपा नेता नीतीश राणे की सभा पश्चात अचलपुर व परतवाड़ा पुलिस थाने में धार्मिक भावनाओं को आहत किए जाने को लेकर दो शिकायतें प्राप्त हुई, जिसके आधार पर पुलिस ने दो अलग अलग आपराधिक मामले दर्ज किए हैं। इसके तहत अचलपुर के हीरागेट परिसर निवासी इमरान खान असलम खान उम्र 28 ने शिकायत दर्ज कराई है कि गतरोज अचलपुर फसल मंडी के मैदान में आयोजित धर्मसभा के दौरान विधायक नीतीश राणे सहित कोपरगांव निवासी सागर बेग ने धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए दो समाजों के बीच धार्मिक व जातीय द्वेष निर्माण करने का प्रयास किया, जिससे धार्मिक कटुता बढ़ गई है। इस शिकायत के आधार पर अचलपुर पुलिस ने भारतीय दंड विधान की धारा 196(1) के तहत अपराध दर्ज करते हुए मामले की जाँच शुरू की है। इसके अलावा परतवाड़ा के लालपुर परिसर निवासी शेख जमीर शेख जिलानी उम्र 40 ने परतवाड़ा पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि गत रोज जुड़वा शहर में भाजपा नेता विधायक नीतीश राणे की बाइक रैली और सभा को लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर किए जा रहे सीधे प्रसारण के दौरान कुछ लोगों ने अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कमेंट किए, जिसकी स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए हैं। इस शिकायत के आधार पर परतवाड़ा पुलिस ने आपत्तिजनक कमेंट करने वाले 4 इंस्टा आईडी धारकों के खिलाफ BNS की धारा 299 के तहत अपराध दर्ज किया। साथ ही साइबर पुलिस के जरिए संबंधित आईडी धारकों की पहचान सुनिश्चित करते हुए आगे की कार्रवाई की जा रही है।